हेलो एवरीवन। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं DTFT ऑफ इम्पल्स ट्रेन। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने बात की थी DTFT ऑफ वन, वो भी एक इम्पल्स ट्रेन ही था। वन का मतलब इम्पल्स ट्रेन ही है, लेकिन उसका पीरियड क्या था? उसका पीरियड था वन। अगर पीरियड वन ना होके कुछ और आ जाए, मतलब टू आ जाए, थ्री आ जाए, या इन जनरली कहें एंड नोट आ जाए, तब उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा? देखो पिछले वाले में, पहले में मूव करते हैं वहां पे। पिछले वाले लेक्चर में हमने क्या देखा था? ये वैल्यू वन थी, एक्स एन की वैल्यू वन थी, किसके लिए? इसका पीरियड कितना था? वन। अगर पीरियड वन ना होके कुछ और हो तो तब क्या फर्क पड़ेगा उस पर, उसके फोरियर ट्रांसफॉर्म पे? तो यही देखने वाले हैं हम इसमें। तो सबसे पहले अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं तो वो किस टाइप का दिखेगा? यहाँ पे एक तरह से ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसको ड्रॉ करने में कोई भारी बात है नहीं। जब इसको ओपन करेंगे समीशन को, दोनों तरफ क्या होंगे? इसके वैल्यू होंगी लेफ्ट और राइट साइड में इंपल्स की फॉर्म में। पहले के की वैल्यू वन रखी, इसको एक की वैल्यू जीरो रखी, तो डेल्टा एन बचा। डेल्टा एन मतलब, डेल्टा एन का मतलब जीरो पे एक पल्स, ठीक है? फिर वन रखी, के की वैल्यू वन रखी, तो डेल्टा कितना हो जाएगा? डेल्टा एन माइनस एन नॉट, इसका मतलब क्या? एन नॉट पे पल्स। अब एन नॉट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है? इसी टाइप से अगला कितना मिलेगा? जब टू रखूंगा तो टू एन नॉट हो जाएगा, ठीक है? ऐसे ही चलता चले जाएगा। इसी तरह से क्या होगा? लेफ्ट साइड में रखो, के की वैल्यू अगर माइनस वन रखूंगा तो ये प्लस हो जाएगा। और यहां से इसकी, इसका मतलब क्या? इंपल्स कहां पर है? माइनस एन नॉट पे। माइनस टू रखूंगा के की वैल्यू, तो कितना आ जाएगा? माइनस टू एन नॉट। इसी तरह से ये चलता चले जाएगा, ठीक है? तो ये सिग्नल का रिप्रेजेंटेशन हो गया एक तरह से। जो हमारा पिछला सिग्नल था वही है। देखो यहाँ पे वैल्यूज बने, यहाँ पे जो वैल्यूज थे वो कहाँ पे थे? जीरो वन टू थ्री पे थी। यहाँ पे वैल्यूज किस पे है? एन नोट टू एन नोट पे। एन नोट की वैल्यू अब कुछ भी हो सकती है, ठीक है? ये उसका पीरियड है। अब यहाँ पे देखो, ये भी एक पीरियड है, तो इसका पीरियड की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे इसका जो पीरियड है, कोई भी एक पीरियड ले लो जो अच्छा लगता हो, इधर ले लो, लेफ्ट में ले लो, आगे वाला ले लो, इसका कोई फायदा नुकसान नहीं है हमारा। इसका जो पीरियड कितना? एन नोट, ठीक है? ज्यादातर हम फॉर्मूले जनरल में याद रखते हैं, लेकिन वन हमने इसलिए किया था ताकि वो कुछ क्वेश्चनों में वो ज्यादातर यूज होता है, लेकिन जनरल फॉर्मूला ही याद करना चाहिए हमारे साथ, ठीक है? अब एन नोट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, चार हो सकती है, पांच हो सकती है। इसका मतलब क्या हो गया? इसके जो बीच की जो वैल्यू होंगी, अगर एन नोट की वैल्यू मान लो पांच है, तो इसका मतलब वन टू इस टाइप से बाकी की वैल्यू होंगी, इसके बीच की क्या होने वाली है? जीरो, ठीक है? मैं रेंडमली चार वैल्यू मार्क कर दी है, वैसे तो कुछ इन्फाइनाइट हो सकती है, ठीक है? सॉरी, इन्फाइनाइट तो नहीं होंगी, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 100 हो सकती है, 200 हो सकती है, वो तो पीरियड पे डिपेंड करेगा। तो इसका मतलब बीच की वैल्यू जो है, यानी वन पे, टू पे, थ्री पे, उन पे सब पे क्या होने वाला है? जीरो होने वाला है। अब ये कैसा सिग्नल है हमारा? यहाँ पे एक्स ऑफ एन कैसा सिग्नल मिला हमें? पीरियोडिक। पीरियोडिक के लिए फॉर्मूला सेम पीछे वाला यूज करना, जो यहाँ पे यूज किया था एक्स ऑफ ई की पावर जे ओमेगा वाला ही। ए के निकालेंगे यहाँ से, तो ये हमारा कहां पर आ जाएगा? एक्स ऑफ ई की पावर जे ओमेगा, इसका फॉर्मूला लिखते हैं। इसका फॉरवर्ड ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है पीरियोडिक के लिए? समीशन के इक्वल्स टू माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी टू पाई ए के डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, जहां पे ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी होती है? साइड में लिख देता हूं मैं, टू पाई के बाय एन। तो यहाँ पे ओमेगा नोट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एन की वैल्यू कितनी है? एन नोट, ठीक है? जो फाइनल आंसर आएगा उसमें ये वैल्यू लगा देंगे ओमेगा नोट की वैल्यू। फिलहाल ए के निकालते हैं। पहले ए के का जो फॉर्मूला होता था कितना होता था? वन अपॉन उसका पीरियड। फिर हम समीशन निकालते थे ओवर ए पीरियड, या लिख सकते हैं एन की वैल्यू। हम पहला पीरियड इस वाले पीरियड को ले रहे, तो ये कहाँ से शुरू हो रहा है? एन इक्वल्स टू जीरो से, ठीक है? ये फोरियर सीरीज में मैंने अच्छे से बताया हुआ कि वैल्यू कैसे कहाँ से लेते हैं। कोई भी एक पीरियड चुन सकते हैं, चाहे इसे चुन लो, इसे चुन लो, ठीक है? अगर इस वाले को चुन ले तो एन की वैल्यू माइनस टू एन नोट से शुरू कर देंगे, यहाँ पे जीरो से शुरू ना करके, ठीक है? ये फोरियर सीरीज वाला जो प्ले लिस्ट है उसको जरूर देखें एक बार, और जिसने दे रखा वैसे तो उसके लिए ये बाएं हाथ का खेल होगा, ठीक है? एन अगर मैं जीरो शुरू कर रहा हूँ तो आगे फॉर्मूला क्या होता था? कहाँ तक जाते थे? एन माइनस वन तक, यानी जहाँ जितने का वो पीरियड है उससे एक कम। तो हमारा जो एन माइनस वन फॉर्मूला ये होता था एक्स ऑफ एन
e की पावर माइनस जे के ओमेगा नॉट एन। तो यहाँ पे वैल्यू लगा दो बस, एन की जो वैल्यू है हम, हमारा पीरियड कितना एन नॉट, एन की वैल्यू हम जीरो से शुरू करना चाह रहे हैं, और एक कैपिटल एन की जो वैल्यू कितनी है एन नॉट माइनस वन, ठीक है। एक्स ऑफ एन ई की पावर माइनस जे के ओमेगा नॉट एन, ठीक है। यहां तक तो बात समझ आई, एक एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जो हमारा पीरियड है उसमें, उससे एक पहले तक जाना है, ठीक है, उसमें एक पीरियड पहले तक जाना है। तो एन नोट है, यहां तक मुझे वैल्यू लेनी है, यहां तक, और कहां से शुरू करनी है मुझे जीरो से, ठीक है। तो इस वाले एन एन से लेके एन एन नोट माइनस वन तक कितनी वैल्यू मिली है हमें, केवल एक इम्पल्स मिली है, बाकी की सारी वैल्यू जो क्या वो जीरो है, ठीक है। एन नोट तक, तो यहां तक हो गई, एन नोट से एक पहले तक लेते हैं। तो यानी मुझे वैल्यू कहां तक लेनी है समीशन में अपने, यहां तक। इस दौरान हम मुझे क्या क्या वैल्यू मिल रही है, केवल एक इम्पल्स मिल रही है एन इक्वल्स टू जीरो पे, इसका मतलब बाकी का सारी वैल्यू क्या हो जा रही है जीरो हो जा रही है। तो मैंने पीरियड देख लिया है, तो मेरा एक्स ऑफ एन की वैल्यू कितनी रहने वाली है, इस वाले यहां तक जो मुझे वैल्यू लेनी है, एक्स ऑफ एन क्या रहेगा यहाँ पे डेल्टा एन केवल, ठीक है, और कोई इम्पल्स होती तो उसको भी लिख लेते साथ में। तो एक्स ऑफ एन की वैल्यू कितनी आ गई, वन अपॉन एन नॉट एन इक्वल्स टू जीरो एन नॉट माइनस वन इसका बोर, और ये आ गया यहाँ पर डेल्टा एन ई की पावर माइनस जे के ओमेगा नॉट एन। और हमें पता है डेल्टा फंक्शन की प्रॉपर्टी, जिसके साथ वो मल्टीप्लाई होता है तो वो अगले वाली चीज में क्या, जो जिसके साथ मल्टीप्लाई होता है उसमें क्या रख देता है एन इक्वल टू जीरो। तो ये मेरा एक एक कितना आ गया यहाँ से, वन बाय एन नॉट एन इक्वल टू जीरो एन नॉट माइनस वन। तो इसमें बस वैल्यू लगा दो, इसमें जब वैल्यू लगाऊंगा तो कितनी हो जाएगी ये। तो यहाँ पे ये हट जाएगा, समीशन को हटा सकते हैं, एन कस टू जीरो लगा दो, ये कितना हो जाएगा, इसमें एन कस टू जीरो में लगाया था ई की पावर जीरो बन जाएगा, ठीक है। अगर ई की पावर जीरो हो गया तो वो तो वन हो गया वैल्यू, तो एक की वैल्यू कितनी आई है वन अपॉन एन नॉट। तो एक की वैल्यू पता चल गई, तो इसी वैल्यू को उठा के क्या रख देना, मैन फॉर्मूले रख देना। तो एक्स ऑफ ई की पावर जे ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, एक्स ऑफ e की पावर जे ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई, समीशन यहाँ पर वैल्यू लग दो ऊपर उठा के बस, एक एक वन अपॉन एन नॉट टू पाई और डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी है टू पाई के बाय एन नॉट, ठीक है। अब देखो ये सारे उसके लिए वैलिड है, अगर तुम इसे कंपेयर करो किससे, वन वाले फॉर्मूले से, वहां पे एन नोट की वैल्यू बनती तो सेम फॉर्मूला बन जाएगा, ये टू पाई रह जाएगा, ये डेल्टा ओमेगा माइनस टू पाई के रह जाएगा, यही सेम फॉर्मूला पीछे आया था। अगर यहाँ पे ध्यान से देखो तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला, एन की वैल्यू अगर मैं वन रख देता हूँ तो फॉर्मूला यही तो बन जा रहा है, टू पाई वहां पे डिनोमिनेटर में एन आ रहा और यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में एन आ रहा, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन वही चीज मैं बात कहूँ जो हमने समीशन निकाला, फॉर्मूला लिख लेते हैं, के इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी डेल्टा एन माइनस के एन नॉट, या फिर मैं इसे ऑल लगा के लिख रहा हूँ, वन वन के नीचे लिखो इसका पीरियड जो वो कितना एन नॉट, जैसे वहां पे पिछले वाले में लिखा था। तो इसका डी टी एफ टी कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा समीशन के इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी टू पाई बाय एन नॉट डेल्टा ओमेगा माइनस टू पाई के बाय एन नॉट, ठीक है। तो ये थोड़ा सा फर्क है बस, पिछले वाला जो एन था, पिछले लेक्चर वाला, उसमें क्या था एन नॉट की वैल्यू बनती तो ये यहाँ पे और यहाँ पे वन हो गया था, वो सेम बन जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें जनरल फॉर्मूला याद करना चाहिए हमेशा, ठीक है। जनरल फॉर्मूला याद है तो हम क्या कर सकते हैं, किसी के लिए भी निकाल सकते हैं, ठीक है। वन के लिए इसलिए निकाला, वो क्वेश्चनों में यूज होता आ जाता था, ठीक है। लेकिन अगर पीरियड अलग आ जाए तो मैं इस पर क्वेश्चन भी कराऊंगा, जब पीरियड अलग आ जाए तो इस वाले फॉर्मूले को यूज करना अपने मेन फॉर्मूले को, ठीक है। ये कौन सा हमारा जनरल फॉर्मूला, मार्क करके लिखना इसको, जनरल फॉर्मूला किसके लिए, कोई भी पीरियड के लिए, ठीक है। ये क्या जनरल फॉर्मूला, ठीक है।
दोनों याद रखने हैं। अगर इसको ये याद है तो एंड नोट की वैल्यू बंद कर देना दिमाग में सोच के, तो वहीं पर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ।